नमस्कार दोस्तों, मैं विमल नरेंद्र साठी बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपनी एसी सर्किट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 5 में मैं डिस्कशन करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं प्योर रेजिस्टिव सर्किट से। हम ये बात इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर जान चुके हैं। जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हम मानते हैं, सुनते हैं, जान चुके हैं कि एसी सर्किट क्या होता है। ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें एसी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। अब रेजिस्टर एसी भी है, डीसी भी है, लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें रेजिस्टर या इंडक्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर रेजिस्टर, कैपेसिटर रेजिस्टर या इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर सभी का इस्तेमाल हो सकता है, ये जानने के लिए कि अप्लाइड ईएमएफ पर रिजल्टिंग करंट क्या मिलता है या अप्लाइड करंट पर रिजल्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिलता है, उन सब की स्टडी करने के सर्किट को हम एसी सर्किट कहते हैं, जिसमें शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट हमारा पहला टास्क हमारे सामने है। हमें फिलहाल 3 बातें करनी है, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। एलआर सिलेबस में नहीं है, सीआर सिलेबस में नहीं है, एलसी सिलेबस में था लेकिन इस कोविड में वो डिलीटेड है। फिर बचता है आखिरी एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन, वो हमें देखना है। लेकिन फिलहाल हमारा टास्क है प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट का डिस्कशन करना, जिसमें हमें डिस्कस द फ्लो ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट की बात करना है फॉर प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। मतलब जिस एसी सर्किट को हम लेने जा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसे बाहर से सप्लाई दिया जा रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया जा रहा है, और उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज देने से उसमें रिजल्टिंग जो करंट फ्लो हो रहा है उसका फेज हमें चेक करना है कैसा है। तो शो दैट करके दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, शो दैट द अप्लाइड ईएमएफ एंड द रिजल्टिंग करंट आर इन द सेम फेज, दैट इज देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड ईएमएफ एंड द रिजल्टिंग करंट। फेज सेम रहेगा ईएमएफ का करंट के साथ, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, दोनों साथ में चलेंगे। उस बात को समझने के लिए हम यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हम फेजर डायग्राम भी देखेंगे। सर फेजर डायग्राम क्या होती है? जिनमें फेज पता चलता है, जिनमें एंगल समझ में आते हैं, वो बात भी हम देखेंगे। ये क्वेश्चन अगर मैक्सिमम डिस्कस द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट करके ही आया तो 2 मार्क, ग्राफिकल वेरिएशन के साथ आया, फेजर के साथ आया, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कम से कम 3 मार्क का। और काफी इंपॉर्टेंट किस्सा है क्योंकि एसी सर्किट इस चैप्टर का ऑफिशियल जो नाम है उस हिसाब से जो काम है वो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इसके पहले जितना पढ़ा उस एसी सर्किट पे पहुंचने का बेस था, पाया था जो हमने सीखा। अब इस प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट से श्री गणेशाय होने जा रहा है एसी सर्किट की कॉन्सेप्ट का, असली कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत कंसीडर से होती है, कंसीडर अ प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट एज शोन इन द फिगर बिलो। आप थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं, कंसीडर अ एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ इंडक्टर, सॉरी, कंसीडर अ एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर एज शोन इन द फिगर बिलो। कंसीडर अ एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ प्योर रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर एज शोन इन द फिगर बिलो, जिसमें हम ये डायग्राम बना सकते हैं। जो डायग्राम बन रही है वो सर्किट डायग्राम है फॉर प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। सभी को बहुत अच्छे से सिंबल्स दिख रहे हैं, ये जो सिंबल दिख रहा है वो एसी का है, एसी सप्लाई का है। जो एसी सप्लाई दिया जा रहा है वो E = E0
साइन ओमेगा टी के बराबर है और उसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है वो आई है। हमें इस आई की वैल्यू निकालनी है इस ई की वजह से, इसलिए हमारा क्वेश्चन भी वैसे ही बना है, डिस्कस द फ्लो ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इन प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। हमने कंसीडर कहा, कंसीडर अ एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ प्योर रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर एज शोन इन द फिगर बिलो। डायग्राम का नाम प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। डायग्राम के नाम के साथ ही हमारा काम आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम शुरुआत में कह रहे हैं कि हमने क्या अप्लाई किया है। सो ईएमएफ अप्लाई किया है, लेट ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। ये कौन है? सो ये अप्लाइड ईएमएफ है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अप्लाइड ईएमएफ और अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू द प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट ई इज इक्वल टू आई इंटू आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट ई इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो वी कैन से दैट आई इज इक्वल टू ई बाय आर। I की वैल्यू E by R के बराबर है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ R कौन है, सो पहले ही सेंटेंस आ गया, इसलिए उसे अलग से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसीडर में ही हमने मेंशन किया, कंसीडर और एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ प्योर रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। सो R को अलग से मेंशन नहीं करना है, I को करना है। सो वेयर में आई की तारीफ करी जाएंगी, क्योंकि दिया गया ईएमएफ ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी था। सो आई ये रिजल्टिंग करंट है, सो आई इज द रिजल्टिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। सो वी कैन राइट नाउ आई इज इक्वल टू ई की जगह, ये जो ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी था उसे आप इक्वेशन नंबर वन कह सकते हैं, जो कि अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज था प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट का। सो इक्वेशन वन से ई की जगह हम लिख सकते हैं ई जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन कैपिटल आर। ये बात जो हमने लिखी है फ्रॉम इक्वेशन वन, सभी को ये बात समझनी चाहिए, बड़ी प्यारी सी, ध्यान से देखिएगा। अगर ई बाय आर का मतलब आई होता है, अगर ई बाय आर का मतलब I होता है, सो E जीरो बाय R का मतलब I जीरो होता है। सो ये टर्म जो हम लिख रहे हैं I इज इक्वल टू, बड़ी प्यारी टर्म है, I इज इक्वल टू I जीरो साइन ओमेगा T, जिसे मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर टू, जिसमें मेरा सब्सटीट्यूशन गया E जीरो बाय R इज इक्वल टू I जीरो। E जीरो बाय R इज इक्वल टू I जीरो। सब कहेंगे सर ये क्या है? सो दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब E जीरो बाय R ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस करंट हो रहा है, सो ये सादा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता तो सादा करंट होता, जनरल भाषा बोल रहा हूं, लेकिन ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस है, सो ये I जीरो जो रहेगा वो पीक वैल्यू ऑफ करंट कहलाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और उस हिसाब से देखा जाए तो E जीरो कौन है? सो E जीरो का नाम है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इक्वेशन टू से साबित हो जाता है कि रिजल्टिंग करंट क्या है। इक्वेशन टू गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द फ्लो ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इन द प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इट इज क्लियर दैट both are in the same phase. अगर आप ढंग से देखिए, so E का equation E zero sin omega t है, I का equation I zero sin omega t है, अगर equation to expression दे रही है flow of current का through the pure resistive AC circuit, so equation 1 and 2 prove that
both are in the same phase. There will be no phase difference. There will be no time lag. No one is forward, no one is backward, no one is leading, no one is lag behind. Both EMF and current are in the same phase. So, जो show that शब्द आया था, वो बात equation 1-2 को देखकर proof हो रही है. From equation 1 and 2, we definitely confirm that the applied alternating EMF, applied alternating voltage and the resulting current or the resulting alternating current are in the same phase. There will be no phase difference. And that can be understood very easily with the help of graph. The graph is plotted between the graph is plotted between voltage and current along y-axis, EMF and current along y-axis. आप EMF देखो तो वो भी y-axis पे दिखा रहा हूं मैं. करंट देखो वो भी y-axis पे दिखा रहा हूं मैं. ये ओरिजिन है और x-axis पर जो आ रहा है वो दोस्तों फेज है. सर फेज यानी एंगल, एंगल यानी थीटा, थीटा यानी ओमेगा टी. फेज के साथ, साइकिल के साथ. सर साइकिल जीरो एंगल से शुरू हुई, फिर पाई बाय टू पर गई, फिर पाई पर गई, फिर थ्री पाई बाय टू पर गई और फिर अंत में टू पाई पर गई. ये साइकिल हमें नजर आ रही है. सर दोनों तरफ दिखाए तो अल्टरनेटिंग है, तो बिल्कुल दोनों तरफ ही दिखाना है. वो पॉजिटिव आए हैं तो ये निगेटिव आए हैं. ये ईएमएफ और करंट में यहां से रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऊपर और नीचे दोनों तरफ, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी. ये फेज, ये शब्द मैं यहां ना लिखते हुए इधर लिखता हूं, थोड़ा सा जगह एडजस्ट हो जाएगी, समझने में आसान जाएगा. ओमेगा टी फेज एक्स एक्सिस पर, वेरिएशन वाई एक्सिस पर. सर ये वेरिएशन हमें क्या दिखाना है, दोनों का फेज सेम है, मतलब जिस जगह से ईएमएफ शुरू होता है उसी जगह से करंट भी शुरू होता है, ऐसा हमको दिखाना है. तो साइकिल दिखाने का तरीका कुछ ऐसा है. सभी ध्यान से देखिएगा, ईएमएफ की वैल्यू जो दिखा रहा हूं मैक्सिमम वो ई जीरो से है, ऊपर प्लस ई जीरो, नीचे माइनस ई जीरो. करंट की वैल्यू प्लस ई जीरो माइनस, प्लस आई जीरो माइनस आई जीरो से दिखा रहा हूं. और ये जो दिखा रहा हूं वैल्यूज में आपको, ये करंट थोड़ा सा नीचे दिख रहा है पीक वैल्यू में, उसकी रीजन है क्योंकि जो आई जीरो है वो ई जीरो बाय आर है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसी रहेंगी, लेस देन वन तो है नहीं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा. सो जब भी आई जीरो आएगा सो ई जीरो से कुछ ना कुछ कम ही हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में कौन है, आर. सो ई जीरो की वैल्यू बड़ी दिखेंगी आई जीरो के कंपेरिजन में, इसलिए ग्राफ में पीक वैल्यू प्लस ई जीरो माइनस ई जीरो, प्लस आई जीरो माइनस ई जीरो, आई जीरो से ज्यादा पर है. साइकिल मुझे अगर दिखानी है सो जीरो एंगल पर जीरो, 90 पर ई जीरो, पाई पर जीरो, थ्री पाई बाय टू पर ई जीरो और यहां टू पाई पर जीरो. सर ये क्या था साइकिल, इस तरीके से साइकिल दिखाया. ये साइकिल है ईएमएफ की. सर करंट की साइकिल साथ में चल रही, जहां से ईएमएफ शुरू हुआ वहीं से करंट शुरू हुआ. सो 90 पर, 90 एंगल पर अगर ईएमएफ मैक्सिमम है तो 90 एंगल पर करंट भी मैक्सिमम है. पाई पर अगर करंट, ईएमएफ जीरो है तो करंट भी जीरो है, साथ में चल रहे, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं क्योंकि दोनों का फेज एग्जैक्टली सेम है. थ्री पाई बाई टू पर एंगल पर अगर ईएमएफ निगेटिव मैक्सिमम है तो करंट निगेटिव मैक्सिमम है. 2 पाई पर अगर ईएमएफ जीरो है तो करंट भी जीरो है. तो ये साइकिल ऐसी मिलेगी. बहुत ही प्यारा ग्राफ है, समझ में आ रहा है कि दोनों कैसे चल रहे हैं, तो साथ में चल रहे. तो ये क्या है, सो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट जो ग्राफ पर हमको देखने को मिल रही है.
और मैंने क्लियर कह दिया पहले कि ईएमएफ का अमाउंट अगर कुछ भी हो लेकिन करंट आई जीरो जो आएगा पीक वैल्यू में वो ई जीरो से छोटा आएगा क्योंकि ई जीरो के डिवाइड में आर है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, वी कैन अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज इन द सेम फेज विद द अप्लाइड ईएमएफ, दोनों साथ में चल रहे हैं। जब ईएमएफ जीरो करंट भी जीरो, जब ईएमएफ मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम, जब ईएमएफ जीरो करंट भी जीरो, जब ईएमएफ निगेटिव मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम। तो ये जो भाषा चल रही है सेम फेज की, ये बात ग्राफ से साबित होती है, इक्वेशन को देखकर ही हमने अपनी बात रखी है। सर आपने एक एक एंगल पर आंसर नहीं निकाला, अभी गरज नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से पता है। सिर्फ हमको ये दिखाना है कौन आगे कौन पीछे, अगर साथ में है तो दोनों साथ में दिखाओ, कोई आगे है कोई पीछे है तो जिसको पीछे है उसको पीछे ले लो, जो आगे उसको आगे ले लो, किसी एक को फिक्स रखना है। जैसे हमने ईएमएफ को फिक्स रखेंगे, करंट अभी साथ में, हो सकता करंट पीछे जाए तो हम करंट को पीछे लेकर जाएंगे, हो सकता करंट आगे जाए तो हम करंट को आगे लेके जाएंगे, हम उस भाषा में बात करेंगे। अंतिम पड़ाव इस टॉपिक का वो है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम समझना बहुत आसान है, सिर्फ तरीके से ध्यान दिए तो। सर फेजर डायग्राम क्या होती है? फेजर डायग्राम का मतलब अप्लाइड ईएमएफ और रिजल्टिंग करंट, अप्लाइड ईएमएफ और रिजल्टिंग करंट का रिलेशन देना है, अप्लाइड ईएमएफ और रिजल्टिंग करंट का रिलेशन देना है विथ रिस्पेक्ट टू फेज एंगल, उसी को फेजर डायग्राम कहते हैं। बट फेजर में डायग्राम में कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो करंट हो, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो, उनको हम रोटेटिंग वेक्टर के माध्यम से दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं फेजर डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर मैं फेजर डायग्राम दिखाने जा रहा हूं ईएमएफ और करंट का, तो दिखाने का स्टाइल बड़ा ही प्यारा है। ध्यान से देखिए, ये बड़ा जो एरो दिख रहा है वो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और इसकी इक्वेशन का फॉर्मेट सबको दिखता है कि वो कौन है, ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। सो वाई एक्सिस पर आपको कौन दिख रहा है, ईएमएफ। फेज एक्स एक्सिस पर है, करंट भी काहे पे दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस पर। सर क्यों? क्योंकि ईएमएफ और करंट कैसे चल रहे हैं साथ में। सो ये जो एरो में दिखा रहा हूं ये पीक वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जीरो, जो कि ई जीरो से कुछ तो भी पीछे है। और अगर आप ग्राफ पर देखेंगे उस चीज को तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, हाँ सर थोड़ा सा पीछे चल, थोड़ा सा नीचे है। सर ये कौन है? ये एंगल, दोनों का एंगल। सो दोनों का एंगल, चाहे ई वाली इक्वेशन देखो, ई वाली इक्वेशन ई जीरो साइन ओमेगा टी के साथ फेज एंगल कितना है ओमेगा टी, आई वाले को देखो आई जीरो साइन ओमेगा टी फेज एंगल कितना है ओमेगा टी। तो एंगल जो बना है वो सेम बना है, चाहे ई के लिए हो या आई के लिए, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, दोनों दोनों एक्स एक्सिस से आगे गए हैं ओमेगा टी एंगल से, वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको। सो ई भी है आई भी है, वाई एक्सिस पर ई और वाई एक्सिस पर आई, हाइट देखो ई की हाइट ज्यादा है आई की हाइट कम है, वो इंडिकेट कर रहा है कि ई तेरी पीक वैल्यू ज्यादा है आई तेरी पीक वैल्यू थोड़ी सी कम है। लेकिन दोनों वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका मतलब ये दोनों साथ में चल रहे, दोनों ही ग्राफ के एरोज एक साथ ओवरलैप हुए मतलब दोनों साथ में, बस पीक वैल्यू कम ज्यादा है लेकिन दोनों साथ में चल रहे फेज एंगल ओमेगा टी के साथ। सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें अप्लाइड ईएमएफ एंड रिजल्टिंग करंट आर इन द सेम फेज, दे आर रिप्रेजेंटिंग, दे वर रिप्रेजेंटिंग अलोंग द वाई एक्सिस, इट मींस दैट दे बोथ हैव द सेम फेज ओमेगा टी, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, सेम फेज में चल रहे। तो ये जो प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट था इसका डिस्कशन मैंने आपके सामने किया, ये पूरी बात मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है मेरी ये बात सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ध्यान में आ रही होंगी। अपने अगले लेक्चर में मैं प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव पे भी बात करूंगा, ये लेक्चर में मैंने सिर्फ प्योर एसी सर्किट में प्योर रेजिस्टिव पे बात की, लेकिन पूरी बात एक साथ ला कर दी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया, फेजर डायग्राम भी दिया। फेजर डायग्राम का स्पष्ट अर्थ मैंने रखा कि अप्लाइड ईएमएफ
और रिजल्टिंग करंट के बीच में जो भी फेज होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर डायग्राम यानी फेजर डायग्राम कहलाता है। और उस फेजर डायग्राम को बनाने में मैंने आपके सामने एक्स और वाई एक्सिस की मदद लिया। एक्स एक्सिस पर जो दिख रहा है, एक्स एक्सिस पर जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं फेज है, और वाई एक्सिस पर जो दिख रहा है वो रिजल्ट है। अब वाई एक्सिस रिजल्ट देगा ईएमएफ के साथ, बोलो करंट का, बोलो कोई आगे है तो आगे रहेगा, कोई पीछे है तो पीछे रहेगा, वो हमें वाई एक्सिस पर दिखेगा। एक्स एक्सिस से सिर्फ हम उसका एंगल बना रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस से उसका क्या बनने जा रहा है, फेज बनने जा रहा है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए इसका, क्योंकि ये 3 मार्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो लाइक तो करना है, शेयर तो करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती पढ़ना बहुत है, एग्ज़ाम बहुत करीब है। धन्यवाद।